मॉर्निंग। आज की हमारी क्लास है नीट सेकंड ईयर के लिए और हमारा आज का विषय है ज्ञान तथा पाठ्यक्रम। ज्ञान तथा पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो हमारी इकाई विषय थी हमारी वो थी फर्स्ट यूनिट हमारी चल रही थी। फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत जो हमारा प्रकरण है वो हमारा आज का प्रकरण है संदर्भात्मक ज्ञान या फिर यूं कहें कि परिचयात्मक ज्ञान। ठीक है, मैंने आपको लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, संदर्भात्मक ज्ञान या लिखित ज्ञान पढ़ लिया था। संदर्भात्मक ज्ञान जो है उसको परिचयात्मक ज्ञान भी कहा जाता है, जो किसी चीज का परिचय देता हो। ठीक है, हमने संदर्भात्मक एवं लिखित ज्ञान पढ़ लिया था। इसके बाद में हमने संदर्भात्मक या परिचयात्मक ज्ञान के जो ज्ञान में कौन कौन से इसके बेसिक्स होते हैं वो भी पढ़ लिए थे। अब हम पढ़ेंगे संदर्भात्मक ज्ञान के प्रकार। संदर्भात्मक ज्ञान के कि जो संदर्भात्मक ज्ञान होता है वो किन किन रूपों में उपस्थित हो सकता है या फिर किन किन रूपों में उपस्थित होता है वो सारी सारी चीजें हम इसमें देखेंगे। संदर्भात्मक जिसको मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था जिसको परिचयात्मक ज्ञान भी कहते हैं, ऐसा ज्ञान जो अपना खुद का परिचय देता हो खुद से प्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, या फिर अप्रत्यक्ष रूप से, ज्यादातर प्रत्यक्ष रूप से चीजें होती है जो मनुष्य को स्वयं द्वारा महसूस की जाती है, स्वयं द्वारा अनुभव की जाती है, वो सारी की सारी चीजें संदर्भात्मक ज्ञान के अंतर्गत आती है। संदर्भात्मक ज्ञान उस ऐसा ज्ञान जिसको संदर्भ करके, जिसको हम एक एक अच्छे रूप में व्याख्यान करके हम किसी भी चीज को एक्सप्लेन करें वो ज्ञान। जो संदर्भात्मक ज्ञान होता है इसको प्राप्त करना बहुत ही सरल होता है। संदर्भात्मक ज्ञान को प्राप्त करना बहुत ही सरल होता है, आसान होता है और इसको प्राप्त करने में कम समय लगता है। बहुत ही कम समय में संदर्भात्मक ज्ञान को हम प्राप्त कर सकते हैं और इसको प्राप्त करने का जो रास्ता है, उसका जो मार्ग है वो बहुत ही सरल तरीके से होता है। सही बात है। अब हम देखते हैं कि भाई संदर्भात्मक ज्ञान प्राप्त करने में तो कम समय लगता है, ये भी पता चल गया, आसान भी होता है, ये भी पता चल गया, लेकिन इसको प्राप्त कैसे करना, ऐसे कौन से प्रकार है जिसके माध्यम से हम संदर्भात्मक ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, तो इसके मुख्य मुख्य पॉइंट है जो कि इसमें पहला पॉइंट है इंद्रिय संबंधी संदर्भात्मक ज्ञान। पहला कौन सा है, इंद्रिय संबंधी संदर्भात्मक ज्ञान। नाम से ही समझ में आता है इंद्रिय संबंधी जो कि अपनी या फिर मनुष्य के इंद्रियों से संबंधित हो वो सारा का सारा ज्ञान इंद्रिय संबंधी संदर्भात्मक ज्ञान के अंतर्गत आता है। जैसे कि आप मुझे देख रहे हैं, आंखों द्वारा देख रहे हैं, आंख द्वारा देखना क्या है, ये इंद्रियां हैं। ठीक है, अपनी इंद्रियां हैं, मनुष्य की इंद्रियां हैं, मनुष्य के इंद्रियों द्वारा देख रहा है, देखना सुनना, ठीक है, अपनी जीभ से किसी भी चीज का स्वाद लेना, ठीक है, और अपनी त्वचा वगैरह सारी की सारी चीजें, किसी चीज का स्पर्श वगैरह सारी की सारी इंद्रिय संबंधी ज्ञान के अंतर्गत आता है। पानी जो है, ठीक है, अब पानी मुझे पता है ये एक बहुत ही लिक्विड फॉर्म में है पानी, पानी को मैंने देखा ये पानी है, तो मुझे पता चल गया कि पानी किस तरीके से होता है, तो वो मैंने आंखों के यानी इंद्रियों द्वारा मैंने उसको देखा। अब पानी में हाथ डालने से आपको गीला गीला फील होता है, अपना हाथ पूरा गीला हो जाता है, तो ये हमने कैसे महसूस किया, ये हमने हमारी त्वचा द्वारा महसूस किया, मेरे हाथ द्वारा महसूस किया। ठीक है, आप लिखते हैं, आप पहले अक्षर को देखते हैं, ठीक है, आप अक्षर को देखते हैं, फिर एज इट इज उसको ऐसा वैसा लिखते हैं, ये सब चीजें इंद्रियों द्वारा ही संभव है। ठीक है, तो पहला हमारा जो ज्ञान है संदर्भात्मक ज्ञान के प्रकार में जो पहला पॉइंट है हमारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंद्रिय
गुणात्मक ज्ञान, प्रत्यक्ष रूप से संबंधित जो चीजें हम महसूस करते हैं, जो चीजें हम हाथों अपने अप्रत्यक्ष रूप से जो चीजें एक मनुष्य द्वारा महसूस की जाती है उसमें इस चीजों को रखेंगे। जैसे कि एक छोटा सा एग्जाम्पल दे दी, मैं आपको लिखा रही हूँ ना, मैं आपको पढ़ाने में बहुत ज्यादा बिजी हूँ, मेरा ध्यान नहीं है, ऐसे कुछ आपकी क्लास में मेरा ध्यान है, लेकिन अचानक से मेरे पेट में गुड़गुड़ बजने लगा, यानी कि मुझे भूख लगी, अचानक से मुझे भूख लगी, मुझे भूख का अनुभव हुआ, मुझे महसूस हुआ कि भैया मैं पढ़ा तो रही हूँ लेकिन मुझे बहुत भूख लग रही है, भूख लग रही है तो भूख से मेरा सर दर्द भी करने लग गया, है ना। तो ये प्रत्यक्ष रूप से चीजें हुई है, अब ये चीजें मुझे हुई है, मुझे अनुभव हुई है, लेकिन ये सामने वाले व्यक्ति के लिए अप्रत्यक्ष है। तो जो विषय वस्तु या फिर जो चीजें खुद के लिए होती है ये उसके लिए है कि प्रत्यक्ष अनुभव संबंधित संदर्भात्मक ज्ञान, जो चीजें खुद को महसूस होता है, ठीक है। अब मैं लिख रही हूँ, मैं पढ़ रही हूँ, मुझे पढ़ते पढ़ते मुझे बहुत उपासना आ रही है, मुझे फील हुआ, मुझे तो नींद आ रही है, अब नींद आ रही है तो मुझे पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए, फिर सोना चाहिए, तो ये सारी चीजें प्रत्यक्ष अनुभव के अंतर्गत आता है। जब चीजें कुछ चीजें करते करते हमें सडनली दूसरी चीजों का ख्याल आना या फिर हमें फील होना, वो सारी की सारी प्रत्यक्ष अनुभव के अंतर्गत आएगी। ऐसा पॉइंट है हमारा स्मृति आधारित संदर्भात्मक ज्ञान, स्मृति आधारित संदर्भात्मक ज्ञान, स्मृति जो हमारी स्मृति में ऑलरेडी मौजूद होती है, ठीक है। एक एग्जांपल देते हैं, किसी कोई लड़का है, ठीक है, अब वो बचपन में क्या है नहाने जाता है नदी में वगैरह और वो उसमें डूब जाता है, लेकिन वो किसी ना किसी तरीके से उसको बचा लेते हैं लोग या फिर उसके माता पिता या फिर कोई भी आस पड़ोस वाले। अब जब वो बड़ा होता है, ठीक है, अब वो वापस ऐसे किसी नदी में नहाने जाता है तो उसको वापस ये चीज़ें याद आती है, अरे यार जब मैं छोटा था ऐसे ऐसे में मैं नहाने गया था तो ना मैं ऐसे ऐसे नदी में डूब गया था, क्या पता वो वापस दोबारा डूब गया तो उसको चीज़ें याद आए। अब वो खुद भी डूब सकता है या फिर हो सकता है उसने किसी और को डूबते हुए देखा हो तो चीज़ें याद आएगी कि भाई यार उस समय वो आदमी ऐसे डूब गया था, क्या मैं भी ऐसे डूब गया। तो ये क्या होती है, जो ज्ञान है उसको पता है कि भाई ऐसा करूँगा तो ऐसा हो जाएगा या फिर ऐसा हो सकता है, तो वो चीज़ें जिसको याद है वो स्मृति याद है अनुभव के अंदर शांति है। लास्ट है हमारा आत्म सजगता आधारित संदर्भात्मक ज्ञान, जो हमारी आत्मा को महसूस होता हो, जो हमारी आत्मा को सजग बनाने के लिए चीजें होती हो, जो हमें इंसान के खुद से नैतिक शिक्षा के अंतर्गत ये चीजें आती है, जैसे कि कोई व्यक्ति है वो बैठा बैठा सोचता है कि भाई देश में कितने दंगे फसाद होते हैं, कितने सारे झगड़े होते हैं, कौन कितनी सारी पार्टी आपस में लड़ती है वगैरह वगैरह, उसको सब पता है कि कभी सांप्रदायिक झगड़े हो जाते हैं, कभी कोई दो दल आपस में लड़ने लग जाता है, कितने सारे मर्डर हो रहे हैं देश में, बहुत सारी घटनाएं हो रही है, तो बैठा बैठा सोचता है, फिर वो यूं पे सोचता है क्या हम अहिंसा को छोड़ नहीं सकते, हमें अहिंसा को अपनाना चाहिए, हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए, हमें आपस में सबसे सद्भावना की उम्मीद करनी चाहिए और आपस में प्रेम करना चाहिए, तो उसको चीज़ें पता है लेकिन वो चाहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सारी चीज़ें अच्छी होनी चाहिए, तो उसके खुद में इसकी आत्मा ने उसको बोला कि हाँ ऐसी सारी चीज़ें होनी चाहिए, तो किसके अंतर्गत आ गई, वो आ गई आत्मा सजगता आधारित संदर्भात्मक ज्ञान के अंतर्गत आ गई, ठीक है। ये थी आज की आपकी क्लास जो हमारी पूरी हो चुकी है, ये संदर्भात्मक ज्ञान के प्रकार, इसके मैंने आपको चार प्रकार बता दिए हैं, पहला है इंद्रिय संबंधी संदर्भात्मक ज्ञान, दूसरा है प्रत्यक्ष अनुभव संबंधी संदर्भात्मक ज्ञान, तीसरा है स्मृति आधारित संदर्भात्मक ज्ञान और लास्ट हमारा आत्मसजगता आधारित संदर्भात्मक ज्ञान। टॉपिक बहुत ही ज़्यादा ईजी था, आपको कुछ भी समझ में आया तो मुझसे पूछ लेना।